आरिस तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए और आज पूरा पैक होकर के जा रहा है, ऊपर से नीचे तक टोपी है, अंदर में एक इनर है, उसके बाद एक इसका फुल स्वेटर, ऊपर से ब्लेजर, ग्लव्स और जूता, खैर मोजा वो तो है ही है, पूरा पैक होकर के। अभी फिलहाल टेम्परेचर चेक किया है, बाहर 12 डिग्री, अच्छी खासी ठंडक हो रही है एकदम। तो कह रहे मास्क भी लगा लो आरिस, मुंह में हवा नहीं घुसेगी। कफ सिरप खा लिया हो ना? ठंडक लग रही है अभी कि ठीक लग रहा है सर? तो अभी तो घर में हो, बाहर निकलोगे तब ना, और तब भी हाथ में रख लेना, हाथ को जेब में डाल लेना, तो ये और ठंडक नहीं लगेगी। जाओ मास्क लगा लेते तो मुंह में हवा नहीं जाती। क्या हुआ, नींद आ रही है? आज इतने दिन के बाद आदत छूट गई है ना, 5 दिन 4 4 5 दिन के बाद स्कूल जा रहे हो। चलो जाओ ठीक से, तबीयत सही रहे बस। और इसके ऑटो आ गई एकदम, 6 बजे आई है, 6:05 में। चलो जल्दी चलो, नीचे खड़ी हुई है, आ जा। तो खैर रोशनी हो गई है लेकिन ठंडक बहुत हो रही है। खोलो, जाओ जाओ, अल्लाह हाफिज। हाँ जा रहा है आरिफ, और अभी सुबह में तो रोशनी तो हो गई है लेकिन ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है एकदम, और इतने दिन के बाद स्कूल जा रहा है आरिफ। काफ़ी ठंड हो रही है, गया है, अच्छी खासी ठंड हो रही है। चलते हैं फिलहाल ऊपर, यहाँ की लाइट ऑफ कर दे। लेकिन अभी फॉग नहीं लग रहा है, ये सही है, फॉग नहीं है, सिर्फ ठंडक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद धूप निकलेगी तो फिर होड़ी सही हो जाएगा। अभी धूप नहीं निकली हुई है, इसको थोड़ी ठंडक लग रही है। यहाँ की भी लाइट ऑफ करें, चलते हैं अंदर। अभी तो पापा भी सो रहे हैं, दरवाजा लॉक कर ही देते हैं। आज रोल खाया नहीं, इतना सा छोड़ करके चला गया है, खाने का दिल नहीं कर रहा था सवेरे सवेरे, तो बस इतना ही सा, आधा खाया आधा छोड़ दिया। और आरिस को तैयार करके हम इधर सब्जी काट रहे थे, जितने देर में वो बैठा हुआ तैयार होकर के बैठा हुआ था, वेट कर रहा था ऑटो का, उतने देर में सोचा चलो बैठे बैठे क्या करना है, सब्जी काट लेते हैं, पत्ता गोभी की भुंजिया बनाएंगे अभी फिलहाल नाश्ते में, तो बस उसी के लिए काट रहे सब्जी। उसके बाद फिर आज पनीर भी बनाना है, तो पनीर को इस तरह पानी में डाल के रखा है एकदम, तो फ्रीज़र में था बर्फ़ जमा हुआ, और ये पापा का दूध है, पापा मतलब बड़ वो वाला क्रीम वाला तो नहीं पीते हैं ना, तो ये वाला काउ मिल्क है, तो इसको रखा है, थोड़ा सा गर्म पानी में डाल करके ये थोड़ा पिघले, उसके बाद फिर इसको बॉईल करेंगे और आज पनीर की सब्ज़ी बनेगी। और रूम की क्या हालत हो रही है, सारे ब्लैंकेट सो बस ऐसे ही खुला हुआ है, तकिया उधर, सबसे पहले चलते हैं रूम को सरियाते हैं, सारे ब्लैंकेट को फोल्ड करते हैं, और रात में ठंडक लग रही थी तो एक ऊपर से ये वाला ब्लैंकेट भी डाल लिया था, एक तो ये था ही और एक ये वाला, और अभी रजाई नहीं निकाला, लेकिन अब लग रहा है कि रजाई निकालनी पड़ेगी, तो अब 1-2 दिन में रजाई भी निकाल लेंगे। तो ऊपर से ये वाला ब्लैंकेट डाल लिया था, लेकिन ये डाला तो फिर से हल्का सा बस पैर पर डाला था, क्योंकि पूरे बदन में नहीं बस पैर में ठंडक लग रही थी, तो ऊपर से डाल लिया था 2 या 3 बजे। और वैसे ये वाला तो खैर बहुत पतला वाला ब्लैंकेट है, ऊपर से ये डाल लेते हैं तो सही रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों कल ठंड लग रही थी। और बस सबको फोल्ड करते हैं पहले, बिस्तर एकदम अजीब सा गंदा गंदा सा रूम हो रहा है। This could be something.
अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक से है रजनी ब्लॉग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। और फिलहाल टाइम हो रहा है दोपहर के, एक नमाज पढ़ लिया जोर की और इसके अलावा तो बस अभी कुछ नहीं है। और इसका वेट कर रहे हैं कि आए, पता नहीं आज कैसी तबीयत रही। आज तो तबीयत खराब होने के बाद, ठीक होने के बाद फर्स्ट डे गया है स्कूल आज, तो बस तबीयत सही ठीक ठाक रहे, कुछ खराब ना हो। इतनी सुबह सुबह गया, अच्छी खासी ठंड थी सुबह में हालांकि, लेकिन पहना तो उसको पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम पैक कर दिया था। मास्क भी कह रहे थे उसको लगा लो कि कम से कम ऑटो पर हवा नहीं लगेगी, मतलब तो चेहरे पर हवा नहीं लगेगी, लेकिन नहीं लगाया, तैयार नहीं हुआ लगाने को। खैर वैसे ऊपर से नीचे तक पूरा टोपी वोपी बना दिया था और इनर स्वेटर ब्लेजर सब कुछ पहना दिया था। पता नहीं गर्मी लगी तो उतारा या बस वैसे ही पहने हुआ है, तो आएगा तो खैर। और बस फिलहाल अभी कुछ नहीं है, काम वाम करके घर का, बस नमाज पढ़ के अभी जस्ट बैठा है और उसी का बस इंतजार कर रहे हैं। अभी तो काफी टाइम है, अभी तो छुट्टी भी नहीं हुई है, अभी तो 1 ही बज रहा है, 1:40 में उसकी छुट्टी होती है स्कूल से। और आज देखते हैं, हो सकता है कि आज जाए मार्केट अगर मूड किया तो, और इसके केक का ऑर्डर देने के लिए हो सकता है जाए शाम में, लेकिन अभी फिलहाल कुछ सोचा नहीं है, देखते हैं। आज नहीं जाएंगे तो फिर कल जाते हैं। और आ गया दोनों अतीत के साथ, कहाँ से मिल गया तुमको, कैसे दिमाग में आया आरिस को ले आए? आरिस जल्दी आ गया अतीत के साथ, आरिस तो खुश हो गया होगा भाईजन को देख के, अरे भाईजन आ गया हमको लेने जल्दी जल्दी। चलो आओ कहीं घूमने भी गए थे, झूठ मत बोलो, कुछ खा पी के आ रहे हो ना, कुछ खा पी के आ रहे हो ना, तुम्हें शक्ल बता रही है, शक्ल बता रही है दोनों, क्या खाई है बताओ? कहीं पे रुके हो रहा मोगनीज में? और शाम हो गई, मकरिब की नमाज पढ़ लिया और बस अभी फिलहाल जा रहे हैं अंदर चाय बनाने के लिए। और ये सामने वाले घर में लग रहा है कि कुछ फंक्शन हो रहा है, पूरी लाइट लाइट से सजा हुआ है घर, और काफ़ी ढोल की बैंड बाजी की आवाज़ भी आ रही है। यानी शादी हो रहा है या फिर हाउस वार्मिंग पार्टी, क्योंकि लग रहा है कि नया घर भी, ऊपर वाला फ्लोर, नीचे तो पहले से बना हुआ था, ऊपर वाला फ्लोर लग रहा है कि नया बनाया, तो या हाउस वार्मिंग पार्टी है या शादी है, तो लेकिन घर पूरा मज़े का सजा हुआ है। और बस फिलहाल जा रहे हैं अंदर, नमाज पढ़ लिया है और आरिस तो भी सोया हुआ है, अभी उठा नहीं है, तो वही है कि देर से सोया है तो थोड़ी देर में उठेगा 6 बजे तक। और शाम हो गई है तो फिर ठंडक हो गई है, दोपहर में, दिन में उतनी ठंडक नहीं रहती, यहाँ सुबह में और फिर शाम में, रात में ठंड हो जा रही है और दिन में धूप निकल जाती है तो फिर उतनी ठंड नहीं होती। और अभी फिलहाल पापा भी नहीं आए नमाज पढ़ के, तो चलते हैं चाय बनाए हुए, चाय चढ़ी हुई है मेरी, उसके बाद अब चाय डालते हैं, चाय पीते हैं। और आज आईजीओ से अपने लिए एक हुडी मंगाया था, हुडर मंगाया था, तो आज वो भी आया है, लेकिन फिर इसको रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो जिप है, जिप जो दिया है तो वो ख़राब दे दिया है यहाँ से नीचे से, बाकी तो सब कुछ सही है, साइज़ भी सही था, कलर भी अच्छा है, मोटा है, गर्म भी है, ये अंदर में कोई एक स्वेटर पहन करके ऊपर से ये डाल लो तो फिर सही रहता है, सही है, लेकिन इसका जो जिप है वो पूरा सही है, लेकिन नीचे में जा करके यहाँ पर ख़राब हो जा रहा है, तो सोचा एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन जिस साइज़ का हमको चाहिए था वो साइज़ अभी अवेलेबल ही नहीं है इसमें, उसके पास, तो फिर अब इसको रिटर्न करना पड़ेगा और दूसरा फिर देखेंगे जब इस साइज़ का आया या फिर दूसरे कलर का जो भी होगा वो मंगाएंगे। तो अच्छा सा था, कलर भी बहुत अच्छा है, गंदा नहीं होगा, डार्क ग्रीन कलर का है, तो अंदर में स्वेटर पहन करके ऊपर से इसको पहन लिया तो अच्छा गर्म हो जाता है, हुडी पहन लेने से अच्छा, तब ठंडक नहीं लगती है, पूरा पैक हो जाता है, तो बस लेकिन है ही नहीं है साइज़ का, तो फिर इसको डालना है रिटर्न में, अब इसको रिटर्न में डालते हैं। और फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है और आरे से उठा था, उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई किया, उसके फिर वापस सो गया, और कल फिर स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि कल इसके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है, तो ये तो इतने दिन बीमार हो गया तो फिर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया, साइंस एग्जीबिशन में नहीं ले पाया, और जो जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं तो उन लोगों के पेरेंट्स को भी कल जाना है स्कूल, तो कल वैसे कुछ पढ़ाई उढ़ाई नहीं होने वाली है, स्कूल से मैसेज आया कि कैंटीन ये सभी बंद रहेगा तो कुछ पढ़ाई नहीं होगी, तो बस इस तरह जाना है कल, लेकिन कल छोड़ दे रहे हैं तो नहीं भेज रहे हैं क्योंकि तबीयत अभी फिलहाल कुछ ठीक हुई है, लेकिन खांसी तो बस है, बहुत ज़्यादा है, खांसी में कोई कमी नहीं है, खांसी बहुत है, और आज स्कूल चला गया तो खांसी फिर से वापस हो गई है, वैसे फीवर तो नहीं आया, ठीक ठाक रहा, तो कल सिर्फ साइंस एग्जीबिशन है तो फिर हम बोला रहने ही दो। और बस फिलहाल इधर जाकर के फिर से सो गया है, उठा उसके बाद वापस फिर सो गया, तो जा रहे अभी इसको उठाएंगे, खाना वाना भी खाएंगे और
कल जाएंगे, कल दिन में जाना है। इसका केक भी ऑर्डर अभी तक नहीं दिया है। आज सोचा था जाएंगे, लेकिन आज ये इतने देर से उठा और इसको लेके ही जाना है, क्योंकि खुद ही बताएगा कौन सा केक, कैसा केक, क्या लेना है। तो इतने देर से सो के उठा, 6:30 के बाद उठा, उसके बाद ठंडक भी हो गई थी बाहर, तो बोला अब ठीक है, फिर कल स्कूल नहीं जाएगा तो कल दिन में ही जा करके केक का ऑर्डर दे देंगे इसके, और जो भी बलून और ये सब लेना है, चॉकलेट वॉकलेट, क्योंकि फिर स्कूल जाएगा तो स्कूल में सबको चॉकलेट देगा, तो वो सब भी लेना है। तो बस यही सब है काम, और बस अब इस व्लॉग को एंड करेंगे, और बहुत जल्द इसके बर्थडे का ही व्लॉग आने वाला है। तो बस व्लॉग को कंटिन्यू करते रहिए, रोज देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मेरे व्लॉग का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।